जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सिंदूर पहनाना सिर्फ धर्म नहीं, कर्म भी है, जो आपने कभी नहीं निभाया, तो इसका हक आप खो चुके हैं। Really? अगर मैं ये हक खो बैठा हूं तो तुम किस हक से मेरे नाम का सिंदूर आज भी लगाए घूमती हो? देखा जाए अब इससे पूछो किस हक से वो मेरे घर में रह रही है, जो मेरा पुश्तैनी घर है उसमें कैसे रह रही है? सिंदूर नहीं लगाना ना उसको, तो फिर कोई जानता है? ऐसे कैसे कोई रह सकता है मेरे घर में? दुनिया से क्या पूछ रहे हैं आप? मैं देती हूँ ना आपके जुल्मों की गवाही। दिशा ना ड्रामा मत करना वरना ना मैं क्या करेंगे? मारेंगे, मारो, पूरी दुनिया को पता चलेगा ना आपका असली रूप क्या है। दिशा, जब घर वाला घर की इज्जत बाहर लेकर आए तो उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या बात है, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अच्छी इमेज बनाई हुई है तुमने पब्लिक के सामने। तुम अपनी असली बीवी के सामने उसकी मांग में सिंदूर भर रहे थे? एक मिनट रुको ना, मैं पहले फिनिश कर लूं, थोड़ी देर हट जाओ पीछे। नहीं हटूंगी मैं पीछे, ये मेरे हक की लड़ाई है, नहीं हटूंगी मैं पीछे। मैंने कहा ना, और तुम खड़ी रहो ना। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूं कि तुम सबके सामने बातचीत करना नहीं चाहते ना, भेद खुल जाएगा तुम्हारा, दोगलापन बाहर आ जाएगा ना तुम्हारा, इस बात का डर है ना तुम्हें? नहीं, ये जो तुमने ढोंग रचा है ना, ये मंगलसूत्र पहनने का, ये सिंदूर, कितनी पवित्र चीजें हैं, इतनी पवित्र चीजें हैं, लेकिन नहीं, इनका तो इस्तेमाल करती है। क्यों इस्तेमाल करती है? क्योंकि वो मेरा घर हड़पना चाहती है। मेरे माँ बाप का घर है वो, तुम उसे छीन कर ले जाओगी? नहीं, मैं जब सिंदूर लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम मना कर रही हो, क्यों? क्योंकि तुम कहते हो मेरा हक नहीं है। तुम किस हक से वहां रह रही हो घर में, मेरे घर में? किस हक का सौदा करने निकले हो तुम बेशरम? हाँ, हम सारे समाज के सामने बोल देते, अपराजिता ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, जिसका मोल हम चुका नहीं सकते। ये अनमोल है ना आपके लिए, और मैं जो तुम्हारी कोख से पैदा हुआ उसका क्या? जब से घर में आया हूं ना, तब से मुझे ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि मैं तो इस घर में कुछ हूं ही नहीं, मतलब मैं उस बाप की औलाद ही नहीं हूं जिसका एक घर है। तुम बताओ ना मुझे, किस हक से तुम मेरी अम्मा पर मुझसे ज्यादा हक जता रही हो? गिनाते हैं अपना हक आपको। हक जताने से नहीं आता, निभाने से आता है, और आपने आज तक कुछ भी नहीं निभाया, क्योंकि आपको निभाना नहीं आता, सिर्फ जताना आता है। घर हक से नहीं चलता, चलाने से चलता है, और घर चलाने के लिए ना बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बिजली के बिल से राशन तक, बच्चों के स्कूल के फीस से लेकर एग्जाम से लेकर उनके होमवर्क तक, हर चीज के लिए त्याग करना पड़ता है। जब बच्चों को बुखार आता है ना तो रात भर हम जाके, आप नहीं थे। जब अम्मा के घुटने में दर्द हुआ था ना, जब उनसे चला नहीं जाता था तो हम थे, आप नहीं थे। जब अम्मा को अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब आप नहीं थे। जब बच्चों को पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे करें,
तब उन्हें अपने पापा की जरूरत थी आपसे। आप नहीं थे, हम थे। हमको कुछ नहीं आता था, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाए। आज तक उनके साथ हैं, आप हैं, आप नहीं हैं। आप यहाँ क्यों आए? हक जताने उस घर पे जो हमारे बच्चों का घर है, जो हमारी अम्मा का घर है। इस घर में हमारे बच्चे छोटे से बड़े हुए हैं, अपना पहला कदम लिया है। यहाँ हमारे बच्चों ने अम्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर स्कूल गए, जिंदगी में आगे बढ़े। आप नहीं थे उस वक्त। इस घर में हमारे बच्चों की यादें हैं, हमारे बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। ये हमारा घर है, इस घर में हमारा हक है। इस घर में हमारी अम्मा का आशीर्वाद बसता है, इसलिए हमारा हक है। आपके जाने के बाद अम्मा से हमारा रिश्ता नहीं खत्म हुआ, वो हमेशा रहा, इसलिए हमारा हक है। जब आप यहाँ पर रोते बिलखते लोगों को छोड़कर जा रहे थे ना, तो परिवार टूट गया था, लेकिन हमने इस घर को टूटने नहीं दिया, इसलिए हमारा हक है। आज तक, इस वक्त तक हम रिश्ता निभा रहे हैं, इसलिए हमारा हक है। और रही बात मंगलसूत्र और सिंदूर की, तो जिस अम्मा ने हमें प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, उसी अम्मा ने हमें यह हक दिया कि हम मंगलसूत्र और सिंदूर पहने, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप हमारे परिवार से, हमारे अम्मा से, हमारे बच्चों से और इस घर से दूर ही रहेंगे तो अच्छा होगा। मैं ये हक खो बैठा हूं तो तुम किस हक से मेरे नाम का सिंदूर आज भी लगाए घूमती हो? अब इसे पूछो किस हक से वो मेरे घर में रह रही है, जो मेरा पुश्ता नहीं कर रही, उसमें कैसे रह रही है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।